नमस्कार, दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज़ में चर्चा का विषय है, उत्तराखंड ने पर्यटन हेतु खोला गरतांग पुल। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने भारत चीन सीमा के पास बने प्राचीन लकड़ी के पुल को फिर से पर्यटन हेतु खोल दिया है। उत्तरकाशी की निलांग घाटी में बना यह पुल भारत और तिब्बत के बीच एक व्यापार मार्ग हुआ करता था। इस पुल को पूरे 59 साल बाद पर्यटकों के लिए खोला गया है। गरतांग गली में स्थित यह पुल 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी लंबाई 150 मीटर है। बता दें कि इस पुल का निर्माण 150 साल पहले पेशावर के पठानों द्वारा किया गया था। इसे 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। इससे पहले 2015 में केंद्र सरकार ने पर्यटकों के लिए निलांग घाटी को फिर से खोल दिया था। आज़ादी से पहले खासकर भोटिया जनजाति के लोग इस पुल का इस्तेमाल तिब्बत के साथ व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए किया करते थे। इस मार्ग से मुख्य रूप से ऊन, चमड़ा, वस्त्र और नमक का व्यापार किया जाता था। साथ ही यह पुल भारत चीन सीमा के पास होने की वजह से ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व भी रखता है। इसके अलावा यह पुल प्राचीन काल से अपने पड़ोसियों के साथ भारत के सौहार्दपूर्ण व्यापार संबंधों का भी प्रतीक है। प्रिय व्यूवर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल और पाइए लेटेस्ट अपडेट।